अगर भगवान चाहते होंगे तो ये दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो आप चाहते थे हमेशा से ही, जो आपको चाहिए था। उन चीज़ों को अनदेखा ना करें जो कुछ आपने ईश्वर से मांगा था। उन चीज़ों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है, ये वही समय है। यही कारण है कि इस समय आप बहुत ज़्यादा चर्चाएं का विषय बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही है। अब आपका औंधा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, जिसे देखकर आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। जी हाँ, आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातें हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपने अपने आप को, मतलब खुद को आपने ना, पास्ट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बांध रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आज़ाद कर रहे हो। उस बंधन को आप खुद ही तोड़ रहे हो और आप पंख फैलाने के लिए रेडी हो चुके हो। और एक ऐसा चेंज बहुत जल्द आ रहा है आपके जीवन में, जिससे जिस तरीके का चेंज आप देखना चाहते थे, यहाँ पर मुझे लगता है आप कुछ चेंज अपने लाइफ में देखना चाहते थे, अपने जीवन में, उस तरीके का चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है आपका बहुत ज़्यादा ना औंधा बढ़ने वाला है। आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी। आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, या हो सकता है आपकी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट मिले, कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसमें कोई बदलाव आने वाला है। एक बहुत बड़ा चेंज मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपका पद, आपका औंधा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये सब देखकर आपके जो हेटर्स हैं वो फिर से आपके लाइफ में आकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आया है और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे हेट करते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है, ऐसी तो बहुत सारे वजह हैं, अगर गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी। तो वो आपसे वापस से फिर से अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनका भी कोई प्रॉफिट हो जाए, उनकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, ठीक है, इस टाइम पर बहुत सारे दिव्य संकेत आपको मिलना स्टार्ट हो गए होंगे, और कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको बार बार दिख रहे होंगे या सुनाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी मुझे समझ आ रहा है, जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप मंत्रास करते हो, तो आपके कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होंगी जिससे आप खुश तो हो जाते हो, लेकिन आप उस संकेत को समझ नहीं पा रहे हो। तो आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, अगर आप आज इस वीडियो को देखने के बाद, और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, ये तब आपके साथ रेजोनेट करेगा। ये सारे टाइमलेस रीडिंग होते हैं, जब आपके लिए ये मैसेज ज़रूरी होगा तब ये आप तक पहुंच ही जाएगा, ठीक है। अगर भगवान चाहते होंगे कि मैसेज आज पहुंचे तो आज, कल के लिए ज़रूरी होगा तो कल, या एक दो महीने बाद भी अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो ये तब के लिए आपका मैसेज होगा। आपको इस वीडियो की ज़रूरत आपको तब होगी, इसीलिए वो वीडियो आप तक पहुँचा है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद मंत्रास या मेडिटेशन में बैठते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप क्या सुन रहे हैं। तो जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, या जो भी आपको दिखाई जा रही है, वो सत्य है, ठीक है, वो 100% सत्य है। कुछ ऐसे संकेत अगर आपको अभी से मिल रहे हैं तो ये भी सत्य है कि आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और जिस तरीके का चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वो पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो ये सारी चेंज को देखकर कुछ ऐसे प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आपको बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि ये आप चाहते थे, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो और सेलिब्रेट करने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ या कहीं बाहर जाने वाले हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको ना,
आपने खुद को बहुत ज़्यादा किसी बंधन में बांध रखा था, किसी ऐसी चीज़ में बांध रखा था जहाँ से आप खुद को बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें आप ना खुद से अब अपने लाइफ को उन चीज़ों से दूर कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी पॉजिटिव चेंज को देखकर कुछ लोग वापस से आपके लाइफ में मतलब दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं। आपके हेटर सबसे ज़्यादा ठीक है अपने फ़ायदे के लिए आपसे फिर से दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं। ये हेटर्स की बात हो रही है ठीक है, जो आपसे मतलब जेलस फील करते हैं, और अब तो वो और भी ज़्यादा जेलस फील करेंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज चाहते थे और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको यहाँ पर समझ तो आ ही चुका होगा कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जिसे आप देखकर खुश तो हो जाते हो, मुस्कुरा तो देते हो, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। तो बहुत सारे लोगों को ना कंग्रेचुलेशन दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन ठीक है, और एक जैसे कि नई नई चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट होगी, जहाँ पर लिखा होगा नई 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 ऊंचाई, नई नई ऊंचाई की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, मोटिवेशनल चीज़ें लिखी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा खुश करती है आगे बढ़ाने में, और मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत प्रदान करती है, तो वो चीज़ें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेस्ट सीज़न ऑफ योर लाइफ, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये दिखा बेस्ट सीज़न ऑफ योर लाइफ। तो आपको भी ऐसे शब्द कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, तो ये ऐसे ही नहीं दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि आप अपने लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो चेंज वैसा ही होने वाला है ठीक है। तो कुछ शब्द, कुछ एंजेलिक नंबर 999 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, हो सकता है 888 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, 111 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, 333 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द दिख रहे होंगे, तो ये ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे कारण है जो आपको पता है, अब पता चल चुका है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। और आप डिवाइन इसलिए भी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश होकर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आया है। यहाँ पर एक चीज़ और आया है, जजमेंट टाइम ठीक है, जजमेंट टाइम आ गया है, आपके एनिमीज़ के लिए आया है, आपके हेटर्स के लिए आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके एनिमीज़, आपके हेटर्स के सामने ही आपको वो खुशी, वो तरक्की, वो सक्सेस मिलने वाला है, जिससे वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे। आपको वो खुशी मिलने वाली है जो आप चाहते थे। आपको तो आपने कभी उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है ठीक है, जो दूसरों से जलते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा जलन का भाव अपने मन में रखते हैं, तो उन लोगों के लिए जजमेंट टाइम आया है ठीक है। जो बिना किसी वजह के किसी से जलते हैं और उनसे एक कंपटीशन वाली भावनाएं रखते हैं, तो उन लोगों का जजमेंट टाइम आया है। जो लोगों के लिए गलत गलत सोचते हैं, गलत गलत चीज़ें करते हैं, स्पेल वगैरह करते हैं ठीक है, ब्लैक मैजिक करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ करती हैं जिससे दूसरों को हार्म पहुँचे ठीक है, हानि पहुँचे, तो उन लोगों के लिए जजमेंट टाइम आया है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर से बताना कौन से ऐसे एंजेलिक नंबर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं ठीक है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं इस टाइम पर। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, वाओ, देख लेते हैं हमारे ये सब ना यहाँ पर सामने रखे हुए थे इसलिए मैंने रीड कर दिया, तो अब देख लेते हैं इस टाइम पर जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं अभी करेंट में, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो तब आपको क्या बताना चाहते हैं ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, तू हिम्मत कर बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे तुझे रुलाने वाले। वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तू हिम्मत कर बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे तुझे रुलाने वाले। सब हार भी रहे हैं,
तभी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आपसे वापस से, ठीक है। कुछ लोग बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग तो आपके फ्रेंड कभी बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो हमेशा से कंपटीशन, लेकिन अब लालच में आकर आपसे कुछ लोग दोस्ती का हाथ जरूर से बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे, आपके आपके टच में आना चाहेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा है। जेलस फीमेल, तो कोई फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका औंधा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आप अपना आपका जो एक पद है वो बहुत ज़्यादा 888 किसी को दिख रहा होगा, ये चीज़ यहाँ पर आई है, किसी को बहुत ज़्यादा 888 दिखने वाला है या दिख रहा होगा। अबंडेंस का साइन है, आपको आपके मेहनत का बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, ठीक है। आपने जो संघर्ष किए हैं, आपने जो मेहनत करी है दिन रात किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है, तो उस मेहनत का बहुत ज़्यादा फल आपको मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपके संघर्षों का दिन समाप्त हुआ और अब उसके फल मिलने का समय आ चुका है। 111 यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। मचेगा हाहाकार जब होगा जस्टिस, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं मचेगा हाहाकार जब होगा जस्टिस। यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया था, जजमेंट कहाँ गया, जजमेंट जजमेंट आया था ना, हाँ ये रहा जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज, जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए, जस्टिस होगा, न्याय होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्याय की बात की जा रही है, ठीक है। या हो सकता है आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पहले गलत हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब होगा जस्टिस। ये जब से 888 पोर्टल गया है ना, तब से कुछ ज़्यादा ही जस्टिस और जजमेंट आ रहे हैं रीडिंग में, तो आपके लाइफ में ज़रूरी आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ अब आपके लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, आपके साथ न्याय हो रहा है, ये चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा महसूस होगा और अभी भी आपको हो रहा होगा अगर आप ध्यान दे तो, ठीक है। आपको कुछ ऐसे दिव्य संकेत मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। आई वॉच यू सीक्रेटली, तो कोई आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली वॉच कर रहे हैं इस टाइम पर, ओके। आपका सरल हो जाना, बड़े बड़े राजनीतियों के छक्के छुड़ा रहे हैं, ये मैसेज कल भी आए थे। आपका सरल हो जाना, बड़े बड़े राजनीतियों के छक्के छुड़ा रहे हैं, ये कल भी आया था हमारे रीडिंग में, ठीक है, ये कल आया था। और देख लेते हैं डिवाइन स्टैम्प पर क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारा सुख का समय आ चुका है, आपके सुख भरे दिन का समय आ चुका है, आपका सुख का समय आ चुका है, क्योंकि आप अपने लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये उसी का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था आपका, वो पूरा हो रहा है। आप जीत का, आपकी जीत की घोषणा हो रही है, आपकी जीत की घोषणा हो रही है, ठीक है, दिव्य लोक में आपकी जीत की घोषणा हो रही है, ठीक है, आप अपने जीत के बहुत करीब हो। न्यू प्रोजेक्ट, कोई आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल सकती है, यहाँ पर फिर से 3-3 दिखा है, आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर 3-3-3 बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए आ रहा है जिस पर आप काम करोगे और उस काम पे या आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा या आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी, ऐसा दिख रहा है। कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो या सोच रहे हो करने के बारे में, तो उन चीज़ों में ही आपको अपार सफलता मिलेगी। इफ़ यू आर सीइंग आउट, वेल्थ इज़ कमिंग, ठीक है, आपके लाइफ में वेल्थ आने वाला है, आपको आने वाले टाइम में ना आउल दिखेंगे। अब ये मत कहना कि मुझे रियलिटी में नहीं, मतलब दिव्य संकेत जो होते हैं ना वो कहीं पर भी दिख सकते हैं। आप कोई इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप कोई सा भी ऐसे सोशल जैसे कि फेसबुक हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप यूट्यूब चलाते हैं तो आप स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ पर आपको आउल दिख गए, कुछ ऐसे दिव्य संकेत दिख गए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ असलियत में ही दिखाई दे, तो कुछ आपको आने वाले टाइम में आउल्स दिखेंगे, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि आपके लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा वेल्थ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर रहे हो।
और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। गुड टाइम आर कमिंग, आपके लाइफ में गुड टाइम आ रहा है। दिस इज़ योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। एक एक शब्द डिवाइन की ओर से आ रहे हैं, दिव्य लोक से आ रहे हैं, तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन है। ठीक है, इस वीडियो में ये डिवाइन कह रहे हैं और यहाँ पर डिवाइन ये भी कह रहे हैं गुड टाइम आर कमिंग, आपका अच्छा समय आ रहा है। आप अच्छे समय में आगे, अच्छे समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैसेज आ रहे हैं। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बिगिन रिमूव, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। मनी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, रुकावटें आ रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। छुपे हुए रहस्य उजागर करेंगे ब्रह्मांड आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि छुपे हुए रहस्य उजागर करेंगे ब्रह्मांड आपके सामने। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे दबी हुई बातें, कुछ झूठी बातें जो आपसे छुपी हुई है वो आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम में। ब्रह्मांड करेंगे ये सब, ठीक है, ब्रह्मांड आपके सामने ये सारी चीज़ें करेंगे। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, वाओ डिवाइन आपको कह रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ब्लेस्ड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा महसूस आपको डिवाइन करवाएंगे कि जैसे आपको सब कुछ मिल गया है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, डिवाइन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और ये चेंज मैं ऐसे देख रही हूँ, ये चेंज ऐसे ही हो रहा है जैसे आप चाहते थे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ला रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपके साथ है, किस्मत का पहिया आपके साथ है, लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, किस्मत भाग्य आपके साथ है, भाग्य का सितारा आपके साथ चल रहा है। ज़रूर से थैंक यू बोलें डिवाइन को। सनराइज बिगिन, सूर्य उदय हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, सूर्य उदय मीन्स आपके लिए हर ओर से अंधकार जा रही है और सूर्य उदय हो रहा है। एक भोर आपके जीवन में हो रहा है, सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। एक कली काली घनी रात के बाद एक सवेरा जब आता है तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आता है। जैसे सब जगह रोशनी हो जाती है, हर जगह खिल उठता है, ठीक है, हर जगह पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वही चीज़ें आप महसूस करने वाले हैं, वही खुशी आप महसूस करोगे जब आपके जीवन में एक भोर, एक सुबह, ठीक है, एक सुबह होगी। कल काली घनी रातों के बाद एक सुबह होगी, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है। एक सरप्राइज़ भी आ सकता है क्योंकि ये इस पर कुछ भी नहीं लिखा है इस कार्ड पर, तो एक डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सीक्रेट सरप्राइज़ है जो आपके लिए डिवाइन भेजना चाहते हैं और वो चीज़ें यहाँ पर आएगी। किसी किसी को बहुत ज़्यादा डबल वन दिख रहा है, तो ये न्यू बिगनिंग को इंडिकेट कर रहा है। आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, ऐसे तो बहुत सारी ऐसी, जब आपने रीडिंग देखी होगी तो आपको पता चली गई होगी कि चेंज आ रहा है। तो ये नई चेंज आपके लिए डिवाइन बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों के लिए ना ये आना चेंज ज़रूरी था। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, आप किसी के कंट्रोल में अब नहीं हैं। ठीक है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता आने वाले टाइम में। बहुत कर लिया आपको कंट्रोल, जैसे उनको चलाना था लोगों को चलाया, जैसे आपकी फैमिली कहती थी, जैसे लोग कहते थे, आपने वैसा किया, लेकिन अब आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप सभी के कंट्रोल से बाहर जाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा आज़ाद महसूस करोगे खुद में, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करोगे खुद में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करोगे खुद में, ऐसा दिख रहा है। अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। देखो, आपके नज़रों के सामने कुछ होगा। यहाँ पर 96 एंजल नंबर दिखा है और डिवाइन कह रहे हैं कि अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। कुछ आपके नज़रों से छुपाई जा रही थी, कुछ दबाया जा रहा था, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो लोग, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं चाहते थे। आपकी फैमिली फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे ये बात दबी रहे, ठीक है, नहीं हो, और आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम होते थे, लेकिन अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने हो जाएगा।
आपके सामने सारी बातें होंगी, आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, आप पहचान पाओगे उन लोगों को, आपके सामने सब कुछ होगा, आपके नज़रों के सामने सब कुछ होगा, ऐसा आ रहा है। ऑल स्पेल आर ब्रोकन, सारे स्पेल वगैरह ख़त्म हो रहे हैं, स्पेल वगैरह आपके लाइफ से रिमूव किए जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी प्रोस्पैरिटी लाइफ। ये 3 दिन से लगातार आ रहा है, अगर आपको पता होगा तो, ये मैसेज 3 दिन से लगातार, आज 3रा दिन है, ये मैसेज 3 दिन से लगातार आ रहा है। योर ब्रोकन डेज आर ओवर, यू आर गोइंग टू रिसीव हैप्पी हेल्दी प्रोस्पैरिटी वाली लाइफ। आप अपने लाइफ में ये सब रिसीव करने वाले हैं। आपके जो वो समय था, ठीक है, वो जो चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, बहुत तकलीफ थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन होता था, वो चीज़ें ख़त्म हुई आपके लाइफ से, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हेल्दी, ठीक है, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं। ये चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पर। अब कुछ बड़ा होगा, और देखो इसी के साथ आया है, पहले आया है अब कुछ बड़ा होगा, तो ये आपको पता है कि आपकी लाइफ में बड़ा कुछ होने वाला है, कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है, और ये चेंज आप चाहते थे, और जैसा चेंज आप चाहते थे वही चेंज होगा। यहाँ पर 222 भी दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और कार्ड आया है, उस पर लिखा है उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है, ठीक है, आपको दी गई बद्दुआ, ठीक है, बिना मतलब, किसी कोई वजह नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, तो जलन में आकर या किसी ऐसी चीज़ में आकर उन्होंने आपको बद्दुआ दे दी, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये बद्दुआ अब उन्हीं को बर्बाद करेगी, ठीक है, खाली तो नहीं जाएगी, लेकिन ये बद्दुआ उन्हीं को लगेगी, क्योंकि बिना किसी वजह, बिना आप बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट है, आपने कभी कुछ ऐसा किसी के साथ नहीं किया कि आप बद्दुआ के पात्र बनो, लेकिन लोगों ने आपको बद्दुआएँ दी है, ठीक है, तो उन्हें हुआ कि बद्दुआ देंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आपकी लाइफ से कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं, डिवाइन ने सब कुछ उल्टा फेर कर दिया है, सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ भेज दी गई है, ठीक है, तो ये बद्दुआ भी उन्हीं की तरफ गई है, और यहाँ पर लिखा भी है उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह करेगी। फिर से यहाँ पर 222 दिखा है, ये मतलब सत्य है, यहाँ पर डिवाइन भी ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, शायद मेरे लिए खुश हो रहे हैं कि सही कहा, तो बद्दुआ खाली नहीं जाएगी, समवन इज़ गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है, तो ये बद्दुआ कहीं उस, यही तो नहीं लग गई कि हाँ जेल कोई जाने वाला है। ट्रूथ रिवील्ड, आपके सामने सच्चाई खुलकर आई है, सच्चाई आपको मिल गई है। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है हाल फिलहाल में या जल्द ही होने वाला है, क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है, या बहुत ज़्यादा क्राउन चक्र के, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है या होने वाला है। देखो क्राउन चक्र होता है हमारे माथे के बीच, यहाँ पे सर पर, सर के बीचों बीच, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ा पेन हो, और जब भी आप मतलब छुओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा है आपको, आप जब इसे कंघी करते होंगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अगर महसूस होता है कि कुछ दर्द आपको महसूस हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि वहाँ पर आपका जो क्राउन चक्र है ना वो ओपन हो रहा है, वो खुल रहा है, और जब भी आप ध्यान में बैठते हो या आप मेडिटेशन करते हो तो वहाँ पर आपको ना ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ सनसनाहट सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कुछ यहाँ पर क्राउन जैसा बन रहा है, कुछ कमल खिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनसन आपको करी, कुछ महसूस आपको ज़रूर होगा कि क्राउन चक्र के पास कुछ है ऐसी चीज़ें, तो ये इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में या आपके क्राउन चक्र एक्टिव होने का भी समय आ चुका है, क्राउन चक्र एक्टिव होगा। क्राउन चक्र उन्हीं का एक्टिव होता है जो अपने लाइफ में ना अपने डिसीजन खुद लेने चाहते हैं, और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो परमात्मा से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं, ठीक है, अध्यात्म में बहुत ज़्यादा अध्यात्म में घुल चुके हैं, और उनका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत सारे इसके मतलब साइन होते हैं, मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगी, क्राउन चक्रा और ये थर्ड आई चक्रा, आपको थर्ड आई चक्रा को हील भी करना है, आपका वैसे थर्ड आई चक्रा एक्टिव है लेकिन आपको वहाँ पर आपको जिनका एक्टिव हो चुका है वो उसे हील करना है, ठीक है, क्राउन चक्रा एक्टिव आया है।
एनिमीज आर फेसिंग द कर्मा, एनिमीज अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और देख लेते हैं, किस्मत आपके साथ है, वो तो पता ही है, आपकी किस्मत आपके साथ चल रही है। किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स है आपकी। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बात आ रही है यहाँ पर। 12 12 12 दिख रहे होंगे किसी को, मैंने एंजल नंबर वैसे आपको बताए हैं, कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, तो उनमें से 12 12 भी है, ठीक है। 12 12 ये बता रहे हैं कि आप रेडी रहो, आपकी चीज़ें आपके पास आ रही है, ठीक है। आपकी चीज़ें अब आपके पास कभी भी आ सकती है, कभी भी वो चीज़ें आपको मिल सकती है। और ये भी बताता है कि इस टाइम पर आपके एंजल बहुत ज़्यादा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ओके, बहुत ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर ये चीज़ें। डिवाइन प्रोटेक्शन, आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं इस टाइम पर, ये सब ही दिख रहा है। अब सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब आपके उल्टा हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद नहीं करते हैं, कोई उनसे बातें नहीं करना चाहता है, ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, आपके लाइफ से टॉक्सिक पीपल रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर टॉक्सिक पीपल को बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। 1 4 4 योर, फिर से आया है प्रोटेक्शन का, योर प्रोटेक्टरी, मतलब डिवाइन आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ना इस टाइम पर डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं फिर से नज़र ना लग जाए किसी की, शायद इस वजह से भी आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लोगों के नज़रों में गिरते आपके हेटर्स, आपके जो हेटर्स हैं वो लोगों के नज़रों में गिरते जा रहे हैं अब दिन प्रतिदिन, ठीक है। सूर्य उदय फिर से आया है, सनराइज़ के बाद आया है सूर्य उदय, सनराइज़ बिगिन आया था उसके बाद आया है सूर्य उदय, आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं जरूर से, 369 भी आए हैं यहाँ पर, किसी को 369 एक साथ दिख रहे हैं, मतलब चीज़ें आपके लाइफ में ना एक्चुअल में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आ रही हैं, जो आप हमेशा से चाहते थे, जो चेंज पॉजिटिव चेंज चाहते थे वो चीज़ें आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।